mother tongue, Hindi, is more impactful and touches the depth of patriotism. I now call upon Ravi Nayan for sharing his power-packed views on Kargil Diwas. सुप्रभात प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और मेरे साथियों, आज कारगिल दिवस के शुभ अवसर पर मैं रवि नयन चंद शब्द कहना चाहूँगा। ऋतुओं का राजा वसंत हमारे जीवन के प्रत्येक वर्ष में रंग भरता है, परंतु एक वीर योद्धा यह वसंतोत्सव रणभूमि में अपने युद्ध क्षेत्र में मनाता है और दुश्मनों के रक्त से मातृभूमि के आंचल को गौरवान्वित करता है। वह एक बार जब निश्चित कर लेता है तो पीछे नहीं हटता, या तो वीर गति को प्राप्त कर अमरता का आशीष ग्रहण करता है या आजीवन यशस्वी तथा ऊर्जावान बना रहता है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही बात कही है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चयः। दिनांक 26 जुलाई 1999, वह दिन जब भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल कर ऑपरेशन विजय को खत्म किया और पाकिस्तानियों को उल्टे पांव भागने पर विवश किया। 2 महीने तक लड़े गए इस युद्ध में विजय हासिल कर भारतीय सेना ने कारगिल पर तिरंगा लहराया। यह युद्ध भारतीय सेना के साहस और जाबाजी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हम सभी भारतीयों को गर्व है। ऐसे तो दुश्मन देश पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर अपने 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। यह बात जब भारत सरकार को पता चली तो सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ने के लिए। पाकिस्तानी सेना का मुख्य लक्ष्य लाइन ऑफ कंट्रोल में प्रवेश करके कई महत्वपूर्ण पहाड़ियों की चोटियों पर कब्जा करना था। लेह लद्दाख को भारत से जोड़ने वाली सड़क पर नियंत्रण हासिल कर सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की स्थिति को कमजोर करना था। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में भारत ने करीब 527 से ज़्यादा वीर योद्धाओं को खोया और वहीं 1300 से ज़्यादा घायल हुए, जिसमें से अधिकांश ने तो अपने जीवन के 30 वसन भी ना देखे थे। इन शहीदों ने भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का उस परंपरा का निर्वाह किया है जिसकी सौगंध हर एक सिपाही तिरंगे के समक्ष लेता है। उन वीर जवानों ने तिरंगे की रक्षा करने की सौगंध उठाई थी और उसी तिरंगे के आन बान और शान के लिए अंतिम सांस तक लड़े और मातृभूमि पर एक आंच तक न आने दी। वे जब शहीद हुए तब वही तिरंगा मातृभूमि के उन वीर योद्धाओं से लिपटकर उनकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। उन वीर जवानों ने अपने देश के लिए, हम देशवासियों के लिए और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण तक को न्यौछावर कर दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नायर, मेजर पद्मपानी आचार्य और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे जैसे कई और वीर जवान भी इसमें शामिल थे जिन्होंने इस युद्ध में शहीद होकर अमरता को प्राप्त किया। समय समय पर भारत माता की कोख से ऐसे महावीरों का जन्म होता है जो अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसे ही वीर योद्धाओं के कारण भारत की स्वतंत्रता आज भी सुरक्षित है। ऐसे शूर वीरों को हम हृदय से नमन करते हैं। इतिहास साक्षी है, स्वतंत्रता का इतिहास वीरों के लहू से लिखा जाता है, कायरों के आंसुओं से नहीं। आज
इस विजय दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि उन वीर शहीदों को याद करते हुए आप सभी मेरे साथ जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। एवरीबॉडी हाउ द जोश, हाउ द जोश, हाउ द जोश। धन्यवाद।